अक्सर फ्रेंड्स क्या होता है जब हम अपने केक को या कपकेक को पोरिंग गनाश लगाने के बाद फ्रिज में या फ्रिज से बाहर थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो उसकी जो ऊपर की लेयर होती है वो थोड़ी सी मैट हो जाती है, थोड़ी सी डल हो जाती है, बिल्कुल इस तरीके की। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका गनाश वाला केक एकदम शाइनी मिरर ग्लेज वाला इफेक्ट दे जैसा कि मार्केट का होता है, तो बस उसी के लिए मैं ये वीडियो आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी इस ट्रिक से आपके केक के ऊपर का गनाश एकदम शाइनी इफेक्ट देगा, साथ ही ट्रिप्स में भी एकदम शाइन आएगी। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने इस केक पर गनाश पोर किया है और मैं वीडियो रिकॉर्डिंग जो कर रही हूँ, मेरा उसमें रिफ्लेक्शन कितने आराम से दिख पा रहा है। तो फ्रेंड्स, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा जो गनाश है वो कितना मिरर ग्लेज वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं रूबी आप सभी का तारा मधु की रसोई से दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे जरूर से जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरी इस ट्रिक को अपनाते हैं तो अपने फीडबैक मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। तो शाइनी मिरर ग्लेज वाला गनाश बनाने के लिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर मोल्ड कंपनी की डार्क कंपाउंड ली है। आपको जिस भी ब्रांड का मिले चॉकलेट आप ले सकते हैं। ये हाफ के जी का 112 रुपीस का मुझे मार्केट में मिला है। तो आज हम इसी से अपना शाइनी मिरर ग्लेज वाला गनाश बनाएंगे। फ्रेंड्स, इसको खोलने से इसके अंदर चार स्लैब्स निकलते हैं इस तरीके से। एक मैंने यूज कर लिया है और एक से मैं आपको ये गनाश बना करके दिखाती हूँ। चॉकलेट को फ्रेंड्स हमें रूम टेम्परेचर पर लाना होगा और उसके बाद हम इसके छोटे छोटे पीसेस या चंक्स कट कर लेंगे ताकि हमें इसे मेल्ट करने में आसानी हो। तो आप देख सकते हैं मैंने लगभग 50 ग्राम चॉकलेट को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब हम फ्रेंड्स इसके अंदर डालेंगे 1/4 कप हमारी केक पर लगाने वाली व्हिपिंग क्रीम इस तरीके से। आप चाहें तो फ्रेंड्स अमूल की फ्रेश क्रीम भी यूज कर सकते हैं, मेरे पास ये अवेलेबल है तो मैं यही डाल रही हूँ। तो मैंने 50 ग्राम चॉकलेट में ये 1/4 कप जो लगभग 3 बड़े चम्मच के बराबर होगी क्रीम डाल दी है। अब हम फ्रेंड्स इसे माइक्रोवेव करेंगे 10 से 15 सेकंड के लिए, और 10 से 15 सेकंड के बाद देखिए फ्रेंड्स ये मिक्सचर कुछ इस तरीके का हो गया है। मैंने इसमें और कुछ भी नहीं ऐड किया है और धीरे धीरे हम इसे मिक्स करेंगे। अभी ये थोड़ा सा आपको अलग सा लग रहा है, जैसे ये मिक्स होता जाएगा ये एकदम शाइनी लुक देगा। आप चाहें तो फ्रेंड्स जो क्रीम हमने इसमें ऐड की थी उसको गर्म करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं और बस उसे मिक्स कीजिएगा, आपका गनाश बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स अभी चॉकलेट इसमें अच्छे से मेल्ट नहीं हुई है, थोड़ी देर हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। जो क्रीम है उसकी गर्माहट से ही चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। आपको इसे ओवर हीट नहीं देना है फ्रेंड्स, 10 से 15 सेकेंड काफ़ी होते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी जो चॉकलेट है अच्छे से मेल्ट हो गई है, इसके अंदर छोटे छोटे चंक्स जो थे वो भी नहीं है। तो अब हम इसमें कुछ ऐसा डालेंगे जिससे कि हमारा गनाश जो है वो एकदम शाइनी मिरर ग्लेज वाला बने। तो उसके लिए फ्रेंड्स आपके पास 3 से 4 ऑप्शन है। जैसे कि पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स कॉर्न सिरप, आप इसमें आधा चम्मच कॉर्न सिरप डाल सकते हैं, ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। फ्रेंड्स आप चाहें तो ग्लूकोज सिरप भी इसमें ऐड कर सकते हैं, वो भी आपको आराम से मार्केट में मिल जाएगा, आधा चम्मच ही ऐड करना है। दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स आपके पास ग्लेजिंग जेल, जिसे न्यूट्रल जेल भी कहा जाता है। कई बार फ्रेंड्स क्या होता है हमारे पास कॉर्न सिरप या ये ग्लेजिंग न्यूट्रल जेल नहीं होता है, तब आप घर का बना हुआ न्यूट्रल जेल यूज कर सकते हैं। उसकी रेसिपी मैंने अपलोड कर दी है, आप उसे जरूर देखिएगा। दोनों ही कंडीशन में आपको सिर्फ 1/2 चम्मच ही इसमें ऐड करना है। लेकिन अगर आपके पास फ्रेंड्स ये सारी चीजें भी नहीं होती हैं तो आप 1/2 स्पून इसमें हनी यानी कि शहद भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपने घर का बना हुआ न्यूट्रल जेल ऐड किया है और अच्छे से अब मैं इसे मिक्स कर दूंगी, और इसी से फ्रेंड्स हमारा गनाश बनेगा एकदम शाइनी मिरर ग्लेज वाला। तो अच्छे से इसे हम मिक्स कर देंगे। ये देखिए आप इसमें मेरा रिफ्लेक्शन देख सकते हैं हाथ का। तो बस फ्रेंड्स आप जब भी अब से गनाश बनाएं उसमें कॉर्न सिरप हो, न्यूट्रल जेल हो, घर का बना न्यूट्रल जेल हो या फिर कुछ ना हो, तो आप आधा चम्मच इसमें हनी यानी कि शहद डाल दीजिएगा। डालने के बाद फ्रेंड्स सबसे जरूरी स्टेप है इसको छानना। छानने से क्या होता है अगर कोई इम्प्योरिटी है या कोई बबल है या कोई चॉकलेट का ऐसा छोटा पीस है जो मेल्ट नहीं हुआ हो वो निकल जाएगा, जिससे कि हमारे गनाश एकदम स्मूथ टेक्सचर वाला हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इसे कप में अच्छे से छान लिया है। फ्रेंड्स अगर आप 1/2 केजी का केक बना रहे हैं तो 50 ग्राम चॉकलेट और 1/4 कप क्रीम काफ़ी होती है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको अब मैं आपको केक के ऊपर पोर करके दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं देखिए इसे स्पून से डाल रही हूँ। थोड़ा सा केक को उठा के आप थोड़ा रोटेट कीजिएगा जिससे कि गनाश जो है वो अच्छे से सारी साइड्स में आ जाएगा। फिर जहाँ आपको ज़रूरत हो स्पून से आप थोड़ा थोड़ा गनाश पूरे केक पर स्प्रेड कर दीजिएगा इस तरीके से, और इस तरीके से धीरे धीरे देखिएगा फ्रेंड्स ये गनाश जो है पूरे केक को कवर कर लेगा
और आपका एकदम बढ़िया गनाश वाला मिरर इमेज वाला केक रेडी हो जाएगा। एक्स्ट्रा को आप क्लीन कर दीजिएगा और आप देख सकते हैं कितना प्यारा शाइनी ग्लेज आया है। आप मेरे हाथ के रिफ्लेक्शन को देख ही पा रहे हैं, ये देखिए। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, आप जब भी अपना गनाश बनाएंगे, इसे आप भले ही फ्रिज में रख दीजिएगा, इसकी शाइन बिल्कुल ऐसी ही बरकरार रहेगी, बिल्कुल भी फेड नहीं होगी। तो आई होप फ्रेंड्स, अब आपकी प्रॉब्लम दूर हो गई होगी। जिन लोगों को प्रॉब्लम आती थी कि हमारा गनाश फ्रिज में रखने से जो है फेड लुक देता है केक के ऊपर, तो मैंने जो आपको चीज़ें बताई उनमें से कोई भी आप एक चीज़ इसमें ऐड करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई गनाश बनाने की और उसमें शाइनी मिरर ग्लेज इफेक्ट देने की। अब बारी आती है अगर आपका गनाश बच गया हो या आपको अभी यूज़ नहीं करना हो तब क्या करें। तब फ्रेंड्स, आप इसे किसी भी एयरटाइट कंटेनर में बंद कर दें या फिर इसके ऊपर किचन की कोई क्लिंग रैप लगा दें और इसे फ्रिज में आराम से स्टोर करें। और जब भी आपको यूज़ करना हो इसे आधा घंटा पहले बाहर निकाल लें और बस 10 से 5 सेकंड के लिए आप इसे माइक्रोवेव कर लें। ये तुरंत वैसे ही वापस अपनी कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। और अगर आपको लगता है ये अभी भी थिक है तो आप इसमें थोड़ी सी गर्म क्रीम करके डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने बनाए हुए पोरिंग गनाश को स्टोर भी कर सकते हैं, चाहे तो तुरंत उसी समय यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस पोरिंग गनाश को बना करके आप दो तरीके के गनाश और बना सकते हैं, जैसे कि पाइपिंग गनाश और व्हिपिंग गनाश। इसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर फ्रेंड्स शेयर कर चुकी हूँ, आप उसे जरूर देखिएगा अगर आपने मिक्स कर दिया है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, आप अपने केक को कवर कीजिए, ड्रिप्स बनाइए, केक के ऊपर ग्लेज इफेक्ट दीजिए, चाहे तो व्हिपिंग क्रीम बना करके केक पर डिजाइन बनाइए। तो आई होप फ्रेंड्स, मेरी ये रेसिपी आप सभी को पसंद आई होगी। अगर ये रेसिपी आपके लिए थोड़ी भी यूजफुल और हेल्पफुल रही हो फ्रेंड्स, तो इसे जरूर से जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप बेकिंग।